या मैं नहीं रंग होरी हो, रहस्य इसके शीश राम रंग होरी हो। अब जो इस मंत्र है ना, सतनाम में दो अक्षर है, एक अक्षर तो ओम है और दूसरा दो मंत्र है। कहते ये किसी भी इन संस्कृत किसी भी सदग्रंथ में नहीं है, कबीर वाणी ने छोड़ के, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ने छोड़ के वो दूसरा मंत्र किसी वाणी में। परमा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए ओए, कहते हैं सो हम शब्द, कबीर जी कहते हैं परमेश्वर जी के हम ही लाए यहाँ पर ये अनमोल रतन, और फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, वो सार शब्द ये दास देगा। कहते हैं चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये बावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहस्य इसके शीश राम रंग होरी हो। ये मंत्र जो है दूसरा मंत्र, ये तो हम लाए थे, ये तुम्हारे इन सद किसी सदग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा ही है। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देही माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना रटर नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना, बिना जीभ के श्वास ओ श्वास से पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये बावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहस्य इसके शीश राम रंग होरी हो। ये मंत्र जो है दूसरा मंत्र, ये तो हम लाए थे, ये तुम्हारे इन सद किसी सदग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा ही है। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देही माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना रटर नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना, बिना जीभ के श्वास ओ श्वास से, जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं श्वास उस श्वास में ये सतनाम जपो, व्यर्था श्वास मत को, श्वास उस श्वास में। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग मंत्र यानी जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, कौन सा है वो स्पष्ट भी करते हैं। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम ओम सो हम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अघाद राम रंग होरी हो। अब इनसे आगे और बता दिया कि सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार नाम है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पाव राम रंग होरी हो। अब उसके बाद फिर एक सार नाम है इन दोनों के बाद, और इंद्रादास स्वामी वाला ने दोया का ना बेरा, इन्हों का अग पाओगे पर ब्रह्म पार ब्रह्म हम पाओगे, भूत बन जाए जब यमलोक में पाओगे इन्हें ये दोनों मंत्र हैं, और तीसरे के तो आसपास भी नहीं कोई इस दास के अतिरिक्त, सार नाम के अतिरिक्त। सार नाम तो किसी के पास पृथ्वी पर किसी को ज्ञान भी नहीं, ये तो दो तो मालिक ने क्लियर इसलिए करने पड़े कि भ्रमित ना हो जाए ये लोग, समझ जाए ताकि संकेत भी समझ जाए, लेकिन इसकी विधि नहीं लिखी, और जो अधिकारी नहीं देगा इसका लाभ कुछ नहीं। ओम सोहम मद है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटो लाख राम रंग होरी हो। ओए ओए, कहते हैं भ्रमित करने वाले करोड़ों लाखों मंत्र हैं नाम हैं, लेकिन इस नाम से जो हम बता रहे इससे पार होगा। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र करोड़ों लाख राम रंग होरी हो,
ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, कोटि कला रविचंद राम रम रंग होरी हो। कहते ये मंत्र जो बता रहे हैं दो मंत्र के हैं, ये निचोड़ है इस भक्ति का। और वो तीसरा मंत्र वो अलग है, सारनाम वो अलग से दिया बता, या सेंटेंस अनुसार कहा कि ये निज मंत्र है ये जो आपको बता रहे हैं। ओ हम सो हम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। इस सतनाम की कितनी वैल्यू बताई है। ओम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। तीन लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं हम तो भाई या होली खेलने राम के रंग की, हम वो मंत्र जाप करते हैं और इस मंत्र में सतनाम में कितनी वैल्यू है सतनाम की। पुणात्माओं हम योगों योगों संख योगों से इतने ऋणी हो गए इस काल के, और इस मंत्र के जो जाप की विधि है उस विधि से वो लाभ मिलता है। जैसे गोली अलग है बंदूक अलग है, और गोली को बंदूक में डालकर नहीं चला रहे हैं तो भी व्यर्थ है। अब गोली को हाथ मारे बंदूक न डंडे की तरह पीटने लग जाए तो क्या फायदा उसका, उसकी तरीका है चलाने का ताकि वो शत्रु से रक्षा कर सके। तो ये तो समझ लो बंदूक और गोली बता दिए, चलानी कैसे है वो ये दास बताओगा इस मंत्र ने, तो कि काल रूपी शत्रु को हम विजयी पा सकें इसके ऊपर। क्या बताया है कि यो सतनाम पालड़ रंगोरी, यो दो अक्षर का नाम है सतनाम, ये ओ हम सो हम एक एक तराजू के यानी बैलेंस के एक पालड़े में, और इस सतनाम के एक सिमरन की कीमत रख दे। एक सिमरन, एक जैसे श्वास बाहर छोड़े अंदर ले, इन दोनों को अलग अलग जाप करना, इसकी तीन प्रकार विधि है सिमरन करने की। तो यू एक कंप्लीट मंत्र हो जाता है, श्वास और उस श्वास में ये दोनों मंत्र जाप करने हैं तो यू एक मंत्र बन गया। कहते इसकी जो कीमत बन गई उसको इतनी वैल्यू है इसकी, इतनी भक्ति शक्ति है इसमें, एक पालड़े में तराजू के एक पालड़े में रखते इस मंत्र की कमाई। और इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक ये स्वर्ग लोक पाताल लोक पृथ्वी लोक ये न्यारे हैं। कहते इन 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो दूसरे पालड़े में, और 3 लोक तो पासिंग दर है, पासिंग माने वैसे बैलेंस, पहले तराजू आ करती बीच में रस्सी सी बांध दिया करती उसका सेंटर में डंडी ही के, और उस डंडी के दोनों तरफ रस्सी बांध के पालड़े बांध दिया करते, उसके प्लेट सी हुआ करती नीचे पालड़े की, तो उस सेंटर में जो पकड़ते थे तो पलड़े ऊपर नीचे हो जाते थे जिसी में किसी में डिफेक्ट होता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो कणक तोलनी होती थी उसी में से मुट्ठी भर लेकर और जो पालड़ा नीचे था उसके विपरीत वाले पालड़े में डाल देते थे, वो बराबर हो जाते थे, वो पास्यंग बोला करते उस कणक ने। तो वो कणक जो होती थी वह थोड़ी सी होती थी वो पास्यंग, वो भी दूसरे बट्टे वाली साइड में रख दी, और बाकी फिर सौदा करते थे वो ढेर बोरी होती थी उसकी, तो उस उपास्यंग की कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो क्या बताते हैं कि तुम तो छोटा सा सरपंच बन गए गांव का, छाती पीटते अंडो, MLA बन जाओ तो धरती पर पाना टेको, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ तो धरती तोल दो। कहते हैं ये पूरी पृथ्वी का भी उस एक नाम की कमाई के सामने नहीं। राजा और मंत्री ये मुख्यमंत्री MLA किस लिए बनते हैं कि घना धन जोड़ूं, फैक्ट्री लाऊं, साहूकार बन जाऊं, और 2 मिनट में 1 सेकंड में मर जा फिर पता नहीं कित कौन सी और नीम धक्के खाएं। और कहते हैं जो हम कमाई कर रहे हैं, जो हम लूट लूट रहे हैं, एक उस श्वास की सतनाम से
इतनी कीमत बन जाती है। सतनाम पालड़े हो रंगोरी हो और दूसरे पालड़े में 14 लोक चढ़ावा राम रंगोरी हो, जिसमें शिव जी का लोक, पृथ्वी का, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये 7 लोक ऊपर के ब्रह्म लोक और फिर ये धर्मराज का लोक, ये कहते हैं ये इन सब यानी एक ब्रह्मांड ने दूसरे पालड़े में रख दे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, जब तक आपको इस प्रकार दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, तब तक आप इस भक्ति को सफल नहीं कर सकते। क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों लोग मिले हैं अपने दिन में, 10-5 तो प्रत्येक ने टकरा लेंगे। क्योंकि आप जब इस ज्ञान से परिचित हो जाते हो, आप अपनी चिंता छोड़कर दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हो, लेकिन वो उसी खचड़े ज्ञान से कंप्लीट होते हैं, फुल होते हैं। और यदि आप पूर्ण रूप से ज्ञान से परिचित नहीं है तो वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो चातुर प्राणी हैं। वो तो ऐसे हैं, बीजक की बात कहें बीजक नाई आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर के मीठी बात। और वो चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं, ठोठ संता के निकाम के, जो इनके देगल जोट हैं। अपुण्य आत्माओं, आज के सत्संग में प्रारंभ यही से हुआ था कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारी ठीक है या गलत है, यह शास्त्र प्रमाणित भी है या नहीं है, तो ये क्लियर करना था और वो स्पष्ट हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सर दर पाऊं बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुन रहे हैं। परमेश्वर की असीम कृपा जिन पुण्य आत्माओं पर होती है वही इन शुभ समागमों में पहुंच पाते हैं। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कि कौन है ये, कहां से आया है, इसका यहाँ जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलता तब तक इसकी बुद्धि का दायरा, बुद्धि का जो सर्कल है वो अन्य प्राणियों के तुल्य ही होता है। संतान उत्पत्ति, फिर उनकी परवरिश, उन्हीं के अंदर मोह ममता में सारा जीवन समाप्त कर देना। जब इसको सत्संग सुनने को मिलता है तो ये अपने जीवन में एक आवश्यक कार्य और प्रारंभ कर देता है। जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होता है, परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से चलकर आते हैं, उस अमर लोक से चलकर आते हैं, उस तीसरे धाम से चलकर गति करके यहां पहुंचते हैं, एज इट इज अपने सह शरीर आते हैं। और हम काल के जाल में हैं, अज्ञान से ओत प्रोत, और काल को ब्रह्म को ही हम भगवान मानकर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं, व्यर्थ कर रहे होते हैं। उस समय वो परमात्मा आके हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डरे, मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना
बनवाया क्या काम।